नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बड़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर लखनऊ से, जहां लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर के प्रमुख सचिव को कटघरे में खड़ा किया है। मंत्री ने अपने ही विभाग पर आरोप लगाया है, लेटर बम वायरल का आरोप लगाया है। अपने ही विभाग में प्रमुख सचिव से असहाय हुए मंत्री जितिन प्रसाद, मंत्री की नहीं सुन रहे अफसर। यूपी में सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री का आदेश बेअसर दिख रहा है। अब सवाल ये है कि जब मंत्री की नहीं सुन रहे अधिकारी, तो आम जनता किसके भरोसे? नवंबर में केवल 15 दिन बचे हैं, तो क्या उन 15 दिन के अंदर सड़क बन पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। लखनऊ से तो 15 नवंबर तक की मुख्यमंत्री ने डेट दी थी कि 15 नवंबर तक सारी सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे, और आज जितिन प्रसाद ने ये मीटिंग की है कि अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई, यानी पीडब्ल्यूडी विभाग के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी छुट्टियाँ इस बात पर रद्द कर दी गई हैं कि वो अपने एक दिन प्रतिदिन रिपोर्ट देंगे कि सड़कें का हाल क्या है। आप बताओ, आज 31 तारीख है, 31 अक्टूबर, और 15 दिन बचे हैं, और सड़कों का हाल देखिए किस तरीके से पीडब्ल्यूडी की के कार्य क्षेत्र में सड़क आती है, और सड़कों का हाल आप देख सकते हैं कितना बुरा सड़कों का हाल है। यहाँ पर अगर लोग चलने के लिए, छोड़िए पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। इन पत्थरों को मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके के मोटे मोटे पत्थर हैं। अगर इन पर कोई गाड़ी लेकर के आएगा, वो गिर गया, तो वो चोटिल ही नहीं होगा बल्कि उसकी हड्डियों समेत सब कुछ फ्रैक्चर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मंत्री जी को इधर का भी दौरा करना होगा, और यहाँ के जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं जिसके कार्य क्षेत्र में ये रोड आ रही है, उस सड़क के उन कर्मचारियों को फटकार लगानी पड़ेगी कि 15 नवंबर में केवल 15 दिन बचे हैं, तो क्या उन 15 दिन के अंदर ये सड़क बन पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। लखनऊ से पवन के साथ दानिश्वार सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश्वार सिंह जुड़ गए हैं लाइव। दानिश, यूपी में सड़कों की स्थिति बदहाल है, पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद की बात नहीं सुन रहे अफसर। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेश की ना तो अब तक कुछ असर दिख रहा है, और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद से अभी कल ही मीडिया ने सवाल कर दिया था 2 दिन पहले, तो जितिन प्रसाद बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गए थे कि आखिर क्या जवाब दिया जाए। तो उन्होंने इसको लेकर के एक आदेश किया था कि मैं खुद ही दौरा करूंगा और देखूंगा कहाँ कहाँ पर क्या स्थिति है, और ऐसा नहीं है, आप थोड़ा ख्याल रखें, 15 नवंबर में अभी बहुत ही दिन बाकी हैं। और उसको लेकर के इन्होंने अधिकारियों के पेच भी कसे थे और आज दौरा किया था, लेकिन जितिन प्रसाद मंत्री के दौरे का असर तो देखिए, वहां पर कोई अधिकारी उनको नहीं मिला, और प्रमुख सचिव उनके आदेश को की अवहेलना कर रहे हैं, जिसको लेकर के मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रमुख सचिव कटघरे में खड़ा कर दिया है कि मुझे अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही, ना अवगत कराया गया। तो क्या उत्तर प्रदेश में ये बात मान ली जाए कि मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं है? क्या मुख्यमंत्री के आदेश केवल हवा में है, या जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सड़कें भरे हैं या ना भरे, या गड्ढे भरे या ना भरे, कोई चोटिल हो, कोई घायल हो, या उत्तर प्रदेश के अंदर जो वादे हैं वो पूरे हो या ना पड़े, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल, तो बिल्कुल दानिश, चल नहीं रही तरीके है? से जिस तरीके से मंत्री की बात अफसर नहीं सुन रहे हैं, तो आम जनता की कौन सुनेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है जितिन प्रसाद, कद भी बड़ा, पद भी बड़ा, लेकिन क्या प्रमुख सचिव गृह से बड़ा पद नहीं है मंत्री जी का? क्या मंत्री की बात प्रमुख सचिव नहीं सुन पाएंगे, या उनके कर्मचारी अधिकारी नहीं सुन पाते हैं? क्या मंत्रियों को केवल हीला हवाली पे रख लिया गया है, केवल खाना पूर्ति मंत्री कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितिन प्रसाद जो मंत्री है उनको इस सड़क का दौरा करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जो सड़क है ये सुशांतगंज सिटी अंतर्गत पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क है, जो 2007 से लगभग खराब पड़ी है। लोगों का मानना यहाँ पर यह कि 2007 से केवल 700 मीटर सड़क है जो अब तक नहीं बन पाई है। तो क्या पीडब्ल्यूडी विभाग के पास इतना बजट नहीं है, या मुख्यमंत्री के आदेश पर उनकी बात नहीं पहुंची काम तक कि 700 मीटर की सड़क को वो पत्थरों से हटा करके निर्माण करके बना सके कि कोई हादसा न होने पाए, कोई चोटी न होने पाए? और क्या मुख्यमंत्री के आदेश को पूरा करेंगे तो सरकार की छवि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सुधरेगी? जिसको लेकर के सवाल बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर सवाल ये खड़ा हो गया है कि मंत्रियों की सुनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री की सुनेंगे नहीं, तो आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सुनेंगे? कौन है जो इन पर कार्रवाई करेगा? कौन है जो वादों को अमल में लाएगा? इसको लेकर के अब बहुत ही ज्यादा मामला गंभीर हो रहा है, क्योंकि मंत्री जितिन प्रसाद भले ही गंभीर हो, उनको उनके अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इस सड़क का दौरा करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई सड़कें हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है,
जिन पर अब तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया है उसको लेकर के रिपोर्ट देनी थी। कल ही ये बात कही थी कि प्रतिदिन अब अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होगी और उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई। तो छुट्टियां जब रद्द कर दी गई तो मंत्री के दौरे पर कोई अधिकारी क्यों नहीं मिला? तो क्या छुट्टियां रद्द करना केवल हवा में है या मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल, सबसे बड़ी लापरवाही नहीं हो रही है। बिल्कुल दानिश, सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि मंत्री के दौरे के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं रहे, उसके बाद छुट्टियां जो रद्द कर दी गई हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा, मंत्री के द्वारा कि सड़कों को सही किया जाए, लेकिन इस तरह की लापरवाही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश सरकार के लिए और आम लोगों के लिए भी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो आम जनता है वो इस समय इतनी मजबूर, इतनी असहाय है कि मैं आपसे क्या बताऊं। किसी विभाग को ले लिया जाए, अगर पुलिस विभाग को ले लिया जाए वहां पर सुनवाई नहीं होती, आप सच दिखाएंगे आप पर कार्रवाई होने लगेगी। लेकिन आप सड़कों की बात आ रही, सड़कों पर मंत्री जी का दर्द समझिए। मंत्री जी अपने लेटर में साफ साफ दर्द बयां कर रहे हैं, वो सामने मीडिया के नहीं हो सकते, लेकिन पत्र में वो अपना दर्द बता रहे हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, प्रमुख सचिव मुझे अवगत नहीं करा रहे हैं, इसने बड़ा दुख हो रहा है उन्हें। तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने मंत्री हैं उनकी सुनवाई केवल नहीं होनी है, या अधिकारी मंत्रियों से ज्यादा पावरफुल है, या मुख्यमंत्री के आदेश को अधिकारी केवल हवा में सुनते हैं? सड़कों का हाल देख लीजिए, पानी से भरी हुई सड़क सुशांतपुर सिटी सिवाई रोड की है, अंचल की। और दूसरी बात, ये पीडब्ल्यूडी विभाग की रोड है, अंचल का कहना है कि ये रोड हमारे में नहीं आती, तो फिर ये कौन बनाएगा? और 700 मीटर केवल ये रोड है, 2007 से अब तक खराब पड़ी है, 2022 चल रहा है, 15 नवंबर में केवल 14 दिन बचे हैं, तो क्या 14 दिन में भी सड़क नहीं बन पाएगी? 700 मीटर का बजट नहीं है इनके पास। बिल्कुल, जब पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री की सुनवाई अफसर नहीं कर रहे हैं तो कैसे आशा किया जा सकता है कि 15 तारीख तक सड़कें बन जाएंगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 15 नवंबर में केवल 14 दिन बचे, क्या 14 दिन में वो ऐसा कौन सा मंत्र छोड़ देंगे या ऐसा कौन सा वो जादू मार देंगे कि 14 दिन के अंदर सारी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी, गड्ढे भर जाएंगे? मेरे सामने पीछे मैं दिखा सकता हूँ कि ये सबसे VIP रोड है लखनऊ की, यहाँ पर ही सड़क में गड्ढे नहीं भर पाए हैं। तो आप सोचने वाली बात है कि लखनऊ जैसे कैपिटल जो राजधानी, जहाँ पर मुख्यमंत्री भी है, राज्यपाल भी है, मिनिस्टर्स भी है, सभी लोग हैं, बिल्कुल सारे मुख्यालय यहीं पर है, यहाँ पर सड़कों का हाल नहीं सुधार पा रहे हैं, तो जिन्हें जिन्हें वो क्या सुधारेंगे? लेकिन इससे बात माना जाए कि अधिकारी से गंभीर नहीं है, अधिकारियों का कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी आदेश हो। बिल्कुल, ये एक बात तो सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है दानिश कि जब उसी विभाग के प्रमुख सचिव ये नहीं सुनते हैं तो अन्य अधिकारी कैसे सुनेंगे? क्या मुख्यमंत्री का कोई दबाव है या कुछ और बातें हैं, कुछ जानकारी है? देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी आदेश किया था, डिप्टी सीएम ने आदेश किया था कि सड़कें दुरुस्त कर ली जाएगी, तब आदेश अभी 2 महीने पहले का था, अब 15 नवंबर डेट दी गई। तो क्या मुझे लगता है कि अब इस बात को समझना होगा कि तिथि पर तिथि बढ़ाई जा सकती है लेकिन मौके पर जो काम है वो नहीं दिख रहा, धरातल पे उनके आदेश को लाना होगा और अमल में लाना होगा। अगर मुख्यमंत्री ईमानदार है तो अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री गंभीर है, अगर वो गंभीर ना होते, ईमानदार ना होते तो ये आदेश ना करते। आदेश किया है इसका पालन होना चाहिए, लेकिन पालन मंत्री जी की बात का भी नहीं हो रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि मंत्री जितेंद्र प्रसाद गंभीर है वो भी ईमानदार है, मुख्यमंत्री गंभीर है वो भी ईमानदार है, सरकार उनके मंत्री गंभीर है लेकिन नौकरशाही बेलगाम है। नौकरशाही पे लगाम लगाना बेहद जरूरी है उत्तर प्रदेश सरकार में, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। बिल्कुल बिल्कुल दानिश, नौकरशाही पर लगाम लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, खासकर जो विभाग जिस विभाग के मंत्री हैं उनके प्रमुख सचिव को इन चीज़ों को गंभीरता से लेना चाहिए और आने वाले समय में 15 तारीख का डेट दिया गया है, उससे पहले अगर रोड सही हो जाती है प्रदेश की तो बहुत ही अच्छी बात होगी। शुक्रिया दानिश आपका ज़्यादा जानकारी के लिए, फिर आपके पास लौटेंगे। 3 नवंबर को योगी कैबिनेट की बैठक, सुबह 11 बजे लोकभवन में कैबिनेट बैठक होगी, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 3 नवंबर को योगी कैबिनेट की बैठक होगी, सुबह 11 बजे लोकभवन में यह बैठक की जाएगी, सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 नवंबर को योगी कैबिनेट की बैठक होगी, सुबह 11 बजे लोकभवन में इस बैठक को आयोजित किया गया है।
सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तीन नवंबर को योगी कैबिनेट की बैठक, सुबह 11 बजे लोक भवन में बैठक आयोजित की गई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 3 नवंबर को होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तीन नवंबर को योगी कैबिनेट की बैठक, सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है? 3 नवंबर को योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसमें अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बैठक तो कल परसों की 3 तारीख को होनी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। निकाय चुनाव बहुत ही नजदीक है और इसके बाद 2024 की तैयारी है। सरकार के पास समय कम है और काम ज्यादा है और सरकार को ये बात समझ में आ रही है कि कोई भी बात जब तक धरातल पर नहीं दिखेगी वो ज्यादा दिन तक उस पर नहीं टिक सकते। इसलिए सरकार ने इसकी बैठक बुलाई है 3 तारीख को और 3 तारीख में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जैसे कि पहले एक जो जानकारी मिल रही थी कि एक परिवार और एक रोजगार के तहत कुछ प्रस्ताव आने हैं, हो सकता है कि 3 नवंबर को ये प्रस्ताव भी आए और साथ में राहत भरी खबर कुछ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी हो सकती है। दूसरी, मुख्यमंत्री इस चीज की बैठक करेंगे कि सड़कों का निर्माण कहाँ पर होना है, कौन से प्रस्ताव नए पास होने हैं और जहां जहां पर जो अधूरे कार्य पड़े हैं उनको पूरा करने का भी प्रयास करने के लिए मीटिंग होगी। लेकिन मुख्यमंत्री की इस मीटिंग में मुख्यमंत्री को इससे पेच भी कसने होंगे कि मंत्रियों की बात अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि धरातल पर मीटिंगें तो हो रही हैं लेकिन धरातल पर काम नहीं दिख पा रहा। अभी 3 नवंबर के बाद कौन से प्रस्ताव आएंगे, ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए खुशी की खबर है या कुछ ऐसा होने वाला है कि शायद 2024 के चुनाव को देखते हुए, निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए भी फायदा होगा और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी। ये 3 नवंबर का हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल, कैबिनेट के जो मंत्री होंगे वो भी अपने विभाग की बात रखेंगे मुख्यमंत्री के पास, उनके विभाग में क्या लापरवाहियां हैं, उनकी बातें अक्सर नहीं सुन रहे हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि चर्चाएं होंगी और चर्चाओं का देखिए चर्चा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री गंभीर है, चर्चाएं होती रहती है लेकिन 3 नवंबर को ये कौन सी मीटिंग करेंगे ये तो यही तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 3 नवंबर की जो मीटिंग होने वाली है ये एक बहुत ही खास मीटिंग है और इस मीटिंग में मंत्रियों के साथ साथ इन प्रस्तावों पर भी मुहर लगनी है कि प्रस्ताव कौन से होने हैं, क्या करना है, इसको लेकर के एक परिवार एक रोजगार की भी शायद योजना आ सकती है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में जो महंगाई है उसको लेकर भी शायद कुछ प्रस्ताव पास हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जो कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, जो जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, इस पर भी शायद कुछ न कुछ मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव रख करके फीडबैक लेंगे। जी, गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर के भी चर्चा हो सकती है दानिश, क्योंकि विपक्ष भी हमलावर है लगातार कि यूपी में गड्ढे हैं और लोग परेशान हैं इससे। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि सबसे न्यूज़ दिखा रहा है लगातार ये बात समझ में आ रही है कि 2 दिन पहले मंत्री छुट्टी रद्द कर देते हैं जब मीडिया में सवाल करती है कि सर अब तक सड़कें नहीं भरेंगे, अब तक गड्ढे नहीं भरेंगे और कर्फ्यू में स्वागत रूप और 15 नवंबर की डेट है। उसके बाद किसी के साथ दौरे पर आते हैं, कोई कर्मचारी को अधिकारी नहीं मिलता है। बिल्कुल, इसके बाद मंत्री जी का एक लेटर मारा जाता है कि बड़ा ही अफसोस की बात है कि मुझे अवगत नहीं कराया जा रहा है, मुझे कोई फीडबैक नहीं दिया जा रहा, तो क्या समझा जाए? मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी इस सरकार में हावी है और मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, इसको लेकर के मंत्री भी दुखी होने लगे हैं और ये बात समझ चुके हैं कि अफसरशाही नौकरशाही पर लगातार भारी पड़ रहे। बिल्कुल, ठीक है दानिश, शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए, फिर आपके पास लौटेंगे।
6 नवंबर को बलिया आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का करेंगे लोकार्पण। पुलिस परेड ग्राउंड में सीएम करेंगे जनसभा को संबोधित। शासन से जिला प्रशासन को मिली है मौखिक सूचना, सूचना मिलने पर तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। 6 नवंबर को बलिया के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पुलिस परेड ग्राउंड में सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शासन से जिला प्रशासन को ये मौखिक जानकारी मिली है, सूचना मिलने पर तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। वर्दी वाले दबंगों के लिए नियम कायदा कानून कुछ भी नहीं है। पेट्रोल पंप पर सामने आई पुलिसिया दबंगई, आम नागरिकों के लिए डिब्बे में तेल देना है मना, वर्दी वालों ने की खुलेआम दबंगई। डिब्बे में तेल लेकर के पेट्रोल पंप कर्मियों से की बदसलूकी, गाली गलौज भी करने लगे पेट्रोल पंप कर्मियों से। जौनपुर के TD कॉलेज पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों की बदतमीजी CCTV कैमरे में कैद हो गई है। जनता को नियम बताने वालों की बदतमीजी ये सामने आई है, पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही है। जो पुलिस नियम और कायदे को बनाए रखती है वही बदतमीजी पर उतर आई है। वर्दी वाले दबंगों के लिए नियम कायदे कानून कुछ भी नहीं है। पेट्रोल पंप पर पुलिसिया दबंगई सामने आई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जौनपुर से। आम नागरिकों के लिए डिब्बे में तेल देना है मना, वर्दी वालों ने की खुलेआम दबंगई। पेट्रोल पंप से डिब्बे में तेल मांगा, जिसके बाद मना करने पर पेट्रोल पंप से धक्का मुक्की, गाली गलौज और मारपीट करने लगा पुलिस वाला। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।